गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बी वी जैमिनी, और हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर एडवांस कैलकुलस। ठीक है, इसमें जो कर्वेचर का पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, उसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स ले लिए हैं। अब ये लास्ट लेक्चर है आपका, यदि ज़रूरत पड़ी तो सवाल भी करेंगे, आगे भी कोई मैटर होगा तो दूसरा लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। आपने वक्रता त्रिज्या डिफाइन कर ली, वक्रता क्या होती है ये भी पढ़ लिया, विभिन्न तरीके के जो वक्र होते हैं कार्टेशियन फॉर्म के, पोलर फॉर्म के, उनके लिए वक्रता त्रिज्या फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि वक्रता केंद्र क्या होता है और इस वक्रता केंद्र के निर्देशांक हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इस पर बेस्ड जो आर्टिकल है उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र के निर्देशांक की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इस फिगर को अपन समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है, उसके निर्देशांक क्या है और ये कैसे निकाली जाती है। तो ये एक्सिस सिस्टम है ओ एक्स और ओ वाई। ठीक है बच्चों, और ये जो दिख रहा है आपको कर्व, इस पर कोई बिंदु मैंने पी ले लिया जिसके निर्देशांक क्या है। कर्व की इक्वेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रहे हैं अपन, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गई, और वक्र पर पी बिंदु एक्स वाई है। ठीक है, पी बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा ड्रॉ करी पी टी, जो एक्स अक्ष को साई कोण पर मिलती है। ठीक है बच्चों, और इस पी बिंदु पर जो लंब डाला मैंने वो सी पी है, मतलब ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, इस पर लंब डाला हमने पी बिंदु से, वो सी पी है। जो सी क्या है, इसका सेंटर कहलाता है कर्व का, वक्र का। ठीक है, अब ये सी पी जो आपने स्पर्श रेखा पर लंब है, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, जो एक्स अक्ष पर एन बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो एन बिंदु पर ये जो आपकी लंबवत रेखा है ये साई प्लस 90 डिग्री कोण बनाती है, राइट। अब हम कुछ रचनाएं करते हैं कि हमने सी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाला सी एल, राइट, जो एक्स अक्ष को एल बिंदु पर मिलता है, और इसी तरीके से मैंने पी बिंदु से भी एक्स अक्ष पर लंब डाला है पी एम। ठीक है, जो एक्स अक्ष को एम बिंदु पर मिलता है। एक रचना और अपने को करनी है, जो पी बिंदु है उससे सी एल जो रेखा है ये लंब है, इस पर मैंने एक लंब डाला है, ठीक है, पी आर, जो सी एल को आर बिंदु पर मिलता है। तो इस तरीके की रचना आपने कर ली, समझ में आ गई। तो जो सी बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स बार और वाई बार से दिया, ये जो सी बिंदु है यही सी बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन इसको अच्छे से समझ लिया फिगर को। तो अब एक बात और ध्यान दे लें कि ये जो कोण पी सी आर है ये भी साई के इक्वेलेंट होगा। ठीक है, और सी आर पी है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमें इस समकोण त्रिभुज की आगे ज़रूरत महसूस होगी, तो इसलिए आपको फिगर क्लियर हो गया। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि सी एक्स बार वाई बार वक्रता केंद्र है, तब वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, पी सी, और पी सी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या को अपन रो से डिफाइन करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, पी सी। ये मैंने आपको पहली स्लाइड में एक्सप्लेन कर रखा है। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं अपन। दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे कि पी टी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, ये एक्स ओ एक्स के साथ साई कोण बनाती है, पी सी स्पर्श रेखा पी टी पर अविलंब है जिसे एन तक बढ़ाने पर ओ एक्स रेखा के साथ साई प्लस 90 डिग्री कोण बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सी से एक्स एक्स पर सी एल लंब डालते हैं और पी से एक्स एक्स पर पी एम लंब डालते हैं। ठीक है, और बिंदु पी से सी एल पर लंब डाला जो इसको आर बिंदु पर मिला, ये संरचना मैंने आपको इस फिगर के साथ ही बता दी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कोण आर सी पी इज इक्वल टू साई होगा। ठीक, अब आपको स्पष्ट है
कि केंद्र सी के निर्देशांक सी एक्स बार वाई बार है, वो हमको निकालने हैं। ठीक बच्चों, तो एक्स बार का मतलब होता है सी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई बार का मतलब है सी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दें आप, तो एक्स बार जो एक्स कोऑर्डिनेट है सी बिंदु का वो क्या होगा, एक्स एक्स पर ओ एल लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, ओ एल, अब ओ एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एम माइनस एल एम। ठीक है, आप फिगर में देखेंगे तो ओ एल को क्या लिख सकते हैं अपन, ओ एल को लिख सकते हैं ओ एम माइनस एल एम, राइट। तो ये फिगर को देख करके अपन ने इसको एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिख दिया, ओ एम माइनस एल एम। अब मैंने आगे इसको एल एम को क्या लिख दिया, पी आर। आप ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज में ऊपर एल एम और आर पी समानांतर रेखा है, इसलिए एल एम और आर पी बराबर होंगी। ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर होगी, एल एम इक्वल टू आर पी, तो मैंने एल एम की जगह क्या रख दिया, आर पी रख दिया। ठीक है बच्चों, जो समीकरण नंबर एक में दे रखा है। अब क्या करते हैं, जो सी पी आर समकोण त्रिभुज है, ये दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज सी पी आर, इसमें ये कोण जो सी पर अंतरित हो रहा है आर सी पी, ये साई है, और ये जो आर पर अंतरित होता है सी आर पी, ये 90 डिग्री है। तो अब अपन इसका क्या निकालते हैं, इसका निकालते हैं अपन साइन साई, तो साइन साई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर आर पी और कर्ण क्या है सी पी। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या निकल के आया आपका इक्वेशन नंबर टू, आर पी इज इक्वल टू सी पी साइन साई। ठीक है बच्चों, तो ये कोई रिलेशन आ गया आर पी इक्वल टू सी पी साइन साई, जो इक्वेशन नंबर टू में दे रखा। अब अपन इसी तरीके से ट्राइंगल में कॉस भी निकालेंगे। अब कॉस साई के लिए क्या होगा इस ट्राइंगल में बच्चों, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको सी आर पी 90 डिग्री, इसका कॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, इसमें आधार क्या हो गया सी आर और कर्ण क्या हो गया सी पी, तो कॉस साई इज इक्वल टू क्या हो गया सी आर अपॉन सी पी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आप कॉस साई इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी पी अपन लिख सकते हैं, इससे क्या निकल के आएगा सी आर, सी आर इज इक्वल टू सी पी कॉस साई, ये समीकरण नंबर तीन में मैंने आपको दिखा रखा है। इस प्रकार समीकरण एक से जो पी आर है उसका मान समीकरण एक में है उसमें पी आर का मान रखते हैं अपन दो नंबर से। ठीक है बच्चों, तो दो नंबर में पी आर का मान क्या है सी पी साइन साई। ठीक है, ये समीकरण नंबर एक में मैंने आपको रख दिया दो से निकाल करके। तो एक्स बार क्या मिलेगा अब आपको, एक्स बार इज इक्वल टू ओ एम माइनस सी पी साइन साई। ठीक है बच्चों, अब ओ एम तो आपको पता है कि पी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैंने इसको एक्स रख दिया, और सी पी की जगह आपको पता है सी पी मैंने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने रो रख दिया, तो क्या बना आपको एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस रो साइन साई, जो इक्वेशन नंबर चार में मैंने आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन मिल गई हमको। अब अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से अपन वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी बात करते हैं, जो सेंटर का जो है ना वक्रता केंद्र उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई बार। तो अब आप ध्यान देंगे तो वाई बार क्या हो जाएगा आपके पास में इस चित्र में आप देखेंगे। ठीक है, तो सेंटर जो है सी है इसका वाई बार कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है एल सी। ठीक है बच्चों, एल सी इसका वाई बार कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो एल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे एल सी को लिख सकते हैं अपन एल आर प्लस आर सी, एल आर प्लस आर सी। ठीक है बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y को बार इज इक्वल टू एल आर प्लस आर सी, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका वक्रता केंद्र का, y बार इज इक्वल टू एल सी, और एल सी को मैंने लिख दिया एल आर प्लस आर सी। अब जहाँ पे आप ये एल आर की बात कर रहे हैं इसके पैरेलल आप देखेंगे इस फिगर में, तो ये फिगर आपको एल आर की जगह क्या लिखने के लिए बोलेगा, एल आर इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होगी, तो मैंने एल आर की जगह एम पी लिख दिया, और एम पी आप देख रहे हैं पी बिंदु पर का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, एम पी क्या है पी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट, तो एम पी की जगह मैं क्या रख दूंगा स्मॉल वाई। ठीक है बच्चों, तो ये संरचना मैंने करी आपको, ये आप ध्यान से देखें
तो एमपी की जगह मैंने स्मॉल वाई रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में। और आरसी क्या निकल के आया आपको, मैंने आपको निकाला आरसी नंबर इक्वेशन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आरसी इज इक्वल टू सीपी कॉस साई, ये वैल्यू उठा करके मैंने सीपी कॉस साई भी रख दी। तो अल्टीमेटली वाई बार क्या आया, वाई बार इज इक्वल टू वाई प्लस रो कॉस साई, मैंने सीपी की जगह मान रख दिया रो, सीपी क्या है वक्रता त्रिज्या है। तो अल्टीमेटली इक्वेशन नंबर 5 में वाई बार आ गया आपको, ठीक है, वाई बार इक्वल टू वाई प्लस रो कॉस साई। और इक्वेशन नंबर 4 में आपको एक्स बार आ गया, तो एक्स बार और वाई बार अपने को दोनों मिल गए, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि रो और साइन साई कॉस फाई कॉस साई भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनको अपन क्या करते हैं, इस रो और साइन साई कॉस साई को अपन जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी टर्म में अपन रखेंगे तो अपने को ईजी हो जाएगा एक्स वाई एक्स बार और वाई बार निकालना। तो देखिए अपन आगे क्या करते हैं, ठीक है, आगे अपने को एक्स बार वाई बार समीकरण 4 एवं 5 से प्राप्त होंगे, ये मैंने अभी बता दिया आपको, जबकि इसमें रो साइन साई और कॉस साई के मान रख दें। तो अपनी समस्या है कि रो साइन साई और कॉस साई के मान क्या होते हैं और वो इसमें रखने के बाद में एक्स बार वाई बार क्या मिलता है, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म के कर्व के लिए रो जो वक्रता त्रिज्या है वो किससे दी जाती है, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 / d2/dx2, ठीक है। मैंने इसको नोटेशन में दे दिया, dy/dx को कैपिटल y1 लिख दिया और d2/dx2 को कैपिटल y2 लिख दिया। तो अल्टीमेटली रो क्या मिल गया हमको, समीकरण नंबर 6 में दे रखा है, रो इज इक्वल टू 1 + y1² / 3/2 / y2, ठीक है बच्चों। ये तो रो हम रख देंगे। अब आपको साइन साई कॉस साई के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, इस ट्राइंगल को समझाया था कि यहाँ इसमें आधार डी एक्स होता है, यदि ये एंगल साई है और ये 90 डिग्री है, इधर ये जो आपका लंब है वो डी वाई होता है और जो कर्ण है वो डी एस। इस ट्राइंगल को अपन याद रखेंगे तो इससे साइन साई आ जाएगा, साइन साई क्या हो गया लंब बटे कर्ण, तो डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस साई क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया डी एक्स डी एस। तो ये समीकरण नंबर 7 और 8 में मैंने साइन साई और कॉस साई आपको फॉर्मूले याद रखने के लिए बताए, उनके मान ये होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं इस नेक्स्ट लाइन में और साइन साई कॉस साई को अपन डेरिवेटिव के टर्म में लिखते हैं। तो समीकरण 7 से साइन साई क्या हो गया बच्चों, डी वाई डी एस, मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, डी वाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी एस, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने एज इट इज रख लिया और डी एक्स डी एस आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कार्टेशियन फॉर्म के जो चाप के अवकलज है उनमें बताया था कि डी एस डी एक्स का मान होता है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, जो समीकरण नंबर 9 में मैंने दिखा भी रखा है। तो ये वैल्यू मैं उल्टी करके रख दूंगा क्योंकि अपने को डी एक्स डी एस चाहिए, ठीक है बच्चों। तो साइन साई क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने नोटेशन में रख दिया कैपिटल वाई वन और कैपिटल वाई टू, ठीक है। तो ये साइन साई आ गया आपका इक्वेशन नंबर 10 में दे रखा है, साइन साई इज इक्वल टू वाई वन अपॉन √1 + y2² ठीक है बच्चों, वाई वन का होल स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली अपने को साइन साई के लिए इक्वेशन नंबर 10 से मान मिल जाएगा। इसी प्रकार में जो 8 नंबर आपको दिख रहा है कॉस साई इज इक्वल टू डी एक्स डी एस, इसका भी मान मैं डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखूंगा। तो कॉस साई को इक्वेशन नंबर 8 से समीकरण 9 से रखते हैं अपन, ठीक है। तो समीकरण 8 में डी एस डी एक्स का मान रख देते हैं, तो कॉस साई इक्वल टू डी एक्स डी एस होता है। इसमें मैंने ये डी एक्स डी एस तो आपको अभी 9 नंबर में दिखा रखा है ना बच्चों, ये 9 नंबर में क्या दिखा रखा है, डी एस डी एक्स √1 + dy/dx का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अपने को डी एक्स डी एक्स चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कॉस साई 1 / y1² / 1/2, मैंने यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की कैपिटल वाई वन रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 11 से अपने को कॉस साई की वैल्यू मिल गई। तो 9 से वो अपने को ये 6 नंबर से मिल गया अपने को रो, और 10 नंबर से मिल गया साइन साई, और 11 नंबर से मिल गया कॉस साई। ये सारी वैल्यू मैं आपको क्या करूँगा कि समीकरण नंबर जो अपने को ये 4 और 5 है इसमें रख देंगे अपन, तो इससे x बार y बार मिल जाएगा। तो देखें कि x बार y बार क्या मिलता है अपने को, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये काम करा आपको 4 और 5 में रो साइन साई कॉस साई के मान क्रमशः समीकरण 6, 10 एवं 11 से रखने पर x बार क्या मिला, x बार इज इक्वल टू x माइनस
वन प्लस वाई वन स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू अपॉन वाई टू, ये तो आपका रो का मान हो गया, इंटू वाई वन अपॉन वन प्लस वाई वन स्क्वायर वन बाई होल पावर वन बाई टू, ये आपका साइन का मान हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मान रखने से एक्स बार क्या मिल गया आपको, एक्स बार इजक्वल टू एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन होल स्क्वायर अपॉन वाई टू, जो समीकरण नंबर 12 में दे रखा है मैंने, तो ये एक्स बार की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अपन देखेंगे वाई बार निकालेंगे समीकरण नंबर 5 में, ठीक है, वहाँ से अपन रो साई और कॉस साई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब आपको वाई बार क्या आ गया, वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर थ्री वाई टू अपॉन वाई टू, ये तो मैंने रो की वैल्यू रख दी, और इंटू कॉस साई, तो कॉस साई की वैल्यू भी मैंने आपको रख दी, वन अपॉन वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर और इसकी पावर वन बाई टू। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद में वाई बार क्या आ गया, वाई बार इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन वाई टू, जो समीकरण नंबर 13 में मैंने बॉक्स में दे रखा है आपको। तो समीकरण नंबर 12 जो बॉक्स में दे रखा है उससे एक्स बार मिल गया, समीकरण नंबर 13 में जो बॉक्स दे रखा है उससे वाई बार मिल गया। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या मिल गया अपने को, वक्रता केंद्र सी एक्स बार वाई बार के निर्देशांक मिल गए समीकरण 12 और 13 से। तो आपसे कोई भी फाइंड आउट करवाएगा, कोई करके इक्वेशन दे रखी है, तो आप वाई वन वाई टू निकालिए, इसमें समीकरण नंबर 12 और 13 में रख दीजिए, तो आपको सेंटर जो वक्रता केंद्र है सी एक्स बार वाई बार के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं कि वक्रता केंद्र जिस वाले जो व्रत हैं उसको वक्रता व्रत बोलते हैं, जिसका जिस व्रत का केंद्र वक्रता केंद्र है वो वक्रता व्रत कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसका और आपको पता है किसी भी बिंदु पर वक्र का व्रत का समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, जिसमें एक्स वन वाई वन यदि उसका सेंटर है तो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स बार और वाई बार वक्रता केंद्र है, इसके लिए वक्रता व्रत है, उसका समीकरण क्या दिया जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ठीक है, जो समीकरण नंबर 14 में दे रखा है। अब यहाँ ये भी समझ लें कि केंद्रज क्या होता है, व्रत जो वक्र है कोई भी उसका वक्रता केंद्र एक्स बार वाई बार है, यदि वक्रता केंद्र का बहुत सारे अपन इसका बिंदु पथ ले लें वक्रता केंद्र का, तो वो जो बिंदु पथ से जो कर्व की संरचना होती है वो उस वक्र का केंद्रज कहलाता है। ठीक है, और जो खुद वक्र है, ठीक है बच्चों, वो स्वयं वक्र है, वो अपने केंद्रज का प्रतिकेंद्रज इवोल्यूट कहलाता है। तो ये दो तीन टर्म हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको वक्रता केंद्र निकालना आ गया इस लेक्चर में, साथ ही उसमें वक्रता केंद्र से संबंधित जो वक्रता व्रत है उसका समीकरण भी निकालना आ गया। ठीक है, इवोल्यूट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये आपका प्रतिकेंद्रज इन्वोल्यूट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, आप इससे संबंधित सवाल उनको करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ एक आधा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये कोई कर्व का इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एक्स यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, बिंदु आपको दे रखा है 0 1, इस पर आपको वक्रता व्रत का समीकरण ज्ञात करना है। अब आपको पता है वक्रता व्रत का समीकरण मैंने समीकरण नंबर 14 में दिखा रखा है ना, तो इसमें एक्स बार की भी जरूरत पड़ेगी, वाई बार की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब वक्रता केंद्र की, और अपने को जो वक्रता त्रिज्या रो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इस कर्व के लिए अपन क्या करें, इन तीनों फॉर्मूले से ये तीनों चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपने वक्र का समीकरण लिख लेते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इससे फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है बच्चों, जो समीकरण नंबर 2 में मैंने दे रखा है। अब dy बाई dx अपने को बिंदु 0 1 पर निकालना है। ठीक है, तो 0 1 पर dy बाई dx क्या हो गया, मैंने एक्स इक्वल टू 0 रख दिया और y इक्वल टू 1, तो y तो है ही नहीं, तो x इक्वल टू 0 रखने से अपने को समीकरण नंबर 2 से dy बाई dx एट 0 1 1 प्राप्त हो गया। इसको अपन कैपिटल y1 से डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 3 से कैपिटल y1 मिल गया आपको। समीकरण 2 को मैंने पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो इससे सेकंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो ये मिल गया d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 4। इसका मान भी मैं 0 और 1 पर बिंदु पर निकालूंगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट 0 1 क्या मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, वाई तो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली ये वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट 0 1 इक्वल टू 4 मिल गया। अब ये सेकंड डेरिवेटिव को अपन कैपिटल वाई टू लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल वाई टू आपको समीकरण नंबर 4 से मिल गया, वाई कैपिटल वाई वन 3 से और कैपिटल वाई टू 4 नंबर से मिल गया। अब क्या करेंगे अपन,
वक्रता केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्स बार इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल वाई वन वन प्लस वाई वन कैपिटल वाई वन का होल स्क्वायर अपन कैपिटल वाई टू, ये तो एक्स बार एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वक्रता केंद्र का, और वाई कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कि वाई प्लस वन प्लस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर अपन कैपिटल वाई टू। तो अपन कैपिटल वाई वन और कैपिटल वाई टू अपन को समीकरण नंबर तीन और चार से मिल गए, इनकी वैल्यू मैंने आपको इसमें पुट कर दी है। तो एक्स बार क्या आ गया, एक्स बार इक्वल टू माइनस वन बाई टू जो समीकरण नंबर पाँच में दे रखा है, और वाई बार क्या आ गया आपको थ्री बाई टू जो मैंने समीकरण नंबर छः में निकाल के बता रखा है। अब ये एक्स बार और वाई बार दोनों मिल गए तो अभीष्ट वक्रता केंद्र के निर्देशांक क्या हो गया आपके पास में माइनस वन बाई टू और थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, तो ये अभीष्ट वक्रता केंद्र मिल गया। अब ये जो सवाल मैं पूछ रहा है आपसे कि आपको वक्रता वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, तो वक्रता वृत्त का समीकरण मैंने आपको बताया ना 14 नंबर ये इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। इसमें एक्स बार वाई बार और रो की वैल्यू अपन रख देते हैं जो अपन ने निकाल रखी है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखेंगे आप तो हमको रो की ज़रूरत पड़ेगी, तो रो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू वन प्लस वाई वन स्क्वायर ऑल पावर थ्री बाई टू अपन वाई टू। तो रो मैंने निकाला, वाई वन और वाई टू की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ तीन नंबर और चार नंबर से, तो रो क्या मिल गया आपको, रो इज इक्वल टू वन बाई रूट टू जो समीकरण नंबर सात में दे रखा है। तो अब अपने को पाँच से एक्स बार मिल गया, छः से वाई बार मिल गया और सात से रो मिल गया, ये मैंने आपको रख दिया वक्रता वृत्त का समीकरण नंबर आठ में। ठीक है, तो क्या मिला समीकरण नंबर आठ में, एक्स बार वाई बार और रो का मान समीकरण पाँच छः सात से रखने के बाद में अभीष्ट वक्रता वृत्त मिल गया आपको जो मैंने ये बॉक्स में दे रखा है। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, यही है इसका जीरो वन पर अभीष्ट वक्रता वृत्त होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक सवाल निकाल करके बताया, आप भी इस तरीके के सवाल कोशिश करिए तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लेक्चर में जो आर्टिकल्स बताएं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।